आईएसआईएस अलकायदा के आतंकियों ने अखलाक का बदला लेने की दी धमकी। एक ट्वीट के जरिए कहा गया है कि जल्द ही आईएसआईएस गुजरात, कश्मीर और मुजफ्फरनगर का बदला लेगा। वहीं एक दूसरे ट्वीट में बीफ खाने की अफवाह पर हुई हत्या का जिक्र करते हुए हैशटैग रिवेंज सून का यूज किया गया है। साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने भी लौटाया साहित्य एकेडमी अवार्ड। नयनतारा सहगल के बाद अशोक वाजपेयी ने भी अवार्ड लौटा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि लेखकों को कट्टरता के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना चाहिए। AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर। अकबरुद्दीन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। किशनगंज के जिला प्रशासन ने शिकायत दर्ज की थी। अकबरुद्दीन ने गुजरात दंगों में कथित तौर पर शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम और शैतान कहा था। चुनावी हलफनामे को लेकर चिराग पर तेजस्वी का पलटवार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि रामविलास पासवान ने अपने चुनावी हलफनामे में कौन सी पत्नी का नाम लिखा है। इससे पहले उम्र को लेकर चिराग ने कहा था कि समझ में नहीं आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव का छोटा बेटा कौन है। अर्जुन अवार्ड विनर बॉक्सर जय हरियाणा पुलिस से सस्पेंड। इंटरनेशनल बॉक्सर जय भगवान पर आरोप है कि उन्होंने जुआ खेलने के नाम पर पकड़े गए 3 लोगों से रिश्वत ली। इस मामले में एक और पुलिस कांस्टेबल पर गाज गिरी है। घरेलू हिंसा के शिकार हुए थे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। रोजर स्टोन की लिखी किताब द क्लिंटन्स वॉर ऑफ वेमन ने हिलेरी पर आरोप लगाया है कि वो अपने पति बिल क्लिंटन और स्टाफ से हिंसा करती थी। वो सामान फेंक कर मारती थी। पिता से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सलमान। कुछ वक्त से सलीम खान हार्निया की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अब नजर डालते हैं आज के शेयर मार्केट पर। इवनिंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर.com।